आंखें कितनी सारी तरह की, कुछ छोटी कुछ बड़ी। आपने कभी सोचा है कि आंखों के अंदर ऐसा क्या है जो हमें हमारी अमेजिंग सेंस ऑफ साइट देता है, हमें सब चीजें दिखती हैं? नहीं ना? तो चलिए चलते हैं आंखों के अंदर और देखते हैं कि आंखें कैसे देखती हैं। इस समय हम सबको ये रंगीला खिलौना दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आंखें बंद करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। आंख बंद करे बिना भी हम इसे गायब कर सकते हैं, अपने कैमरे की आंख को बंद करके। हमारी आंख भी कैमरे जैसी है जो हमारे मस्तिष्क के साथ मिलकर काम करती है। आंख मानो तीन परतों की एक गेंद, सबसे बाहर सफेद स्क्लेरा, श्वेत पटल, बीच में कोरोइड, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, रक्त आता जाता रहता है। तीसरी परत रेटिना, दृष्टि पटल, जिसके लाखों फोटोरिसेप्टर्स प्रकाश को ग्रहण करते हैं। बाहर से हमें दिखता है रंगीन गोला आयरिस या दीदा, इसके बीच में है प्यूपल, पुतली जो प्रकाश को अंदर जाने देती है। प्यूपल ढका है पारदर्शी कॉर्निया से, जिसके पीछे है आंख का लेंस। प्यूपल से होकर प्रकाश अंदर जाता है, कॉर्निया और लेंस से टकराता है तो रिफ्रैक्ट होता है, मुड़ता है और रेटिना पर फोकस हो जाता है। अब रेटिना की नर्व्स उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल कर ले जाती हैं मस्तिष्क में। मस्तिष्क फौरन इस सिग्नल को पढ़ता है और हमें चीज दिखाई देती है, हम उसे पहचान भी लेते हैं। ये सब किसी सुपर कंप्यूटर या अल्ट्रा मॉडर्न कैमरे से भी तेज। आंखों का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब कुछ मजा करते हैं, एक गेम खेलते हैं। ये बड़ा ही मजेदार गेम है, केतू ने बताया है। अब देखिए, ये है मेरी बर्ड लाली और ये मेरी बर्ड हरियाली। अब हम सब मिलकर इस हरियाली को 20 सेकंड तक देखेंगे बिना आंखें झपकाए, ठीक है? रेडी? ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 अपनी नजर टीवी स्क्रीन पर जमा दीजिए, हरी वाली इस चिड़िया पर, इसे देखते रहिए। अब स्क्रीन से हम इस हरी चिड़िया को हटा देते हैं, पर आप यहीं देखते रहिए, उसकी जगह आएगा एक खाली पिंजरा। स्क्रीन को देखते रहिए, अब क्या आपको भी वो दिख रहा है जो हमें दिख रहा है? हमें तो खाली पिंजरे के अंदर दिख रही है हरी नहीं, एक हल्की गुलाबी सी चिड़िया। खाली पिंजरे में दिखने वाली हल्के गुलाबी रंग की चिड़िया है आफ्टर इमेज, वो तस्वीर जो तब भी दिखती है जब चीज आँख के सामने ना हो। इसका कारण है कोन्स, आँख के अंदर स्थित कोन, जो हमें हमारी रंग पहचानने की ताकत देते हैं। जब हम हरी चिड़िया को लगातार घूरते हैं तो हरा रंग दिखाने वाली कोन्स थक जाती हैं, हरा रंग देखना बंद कर देती हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि सफेद रंग बना है हरे, लाल और नीले रंग से, इसलिए जब हम सफेद रंग पर बने खाली पिंजरे पर नजर टिकाते हैं तो हमें दिखता है व्हाइट कलर माइनस ग्रीन कलर, मतलब मैजेंटा या हल्का गुलाबी। आफ्टर इमेज चिड़िया की, लाल रंग की चिड़िया से ये ट्रिक खुद ट्राई करें। वैसे आप गेस कर सकते हैं कि अब चिड़िया की आफ्टर इमेज किस रंग की होगी। आँखों का खेल, नजरों का खेल, एक और खेल, क्योंकि खेल खेल में जो पता लग जाता है वो अच्छे से समझ में आता है। तो बता देते हैं इनको इनकी आंखों से जुड़े एक और चौंका देने वाला फैक्ट, वो भी खेल खेल में। अरे आप भी खेलिए ना। एक और खेल खेलने के लिए तैयार? एक आंख बंद कर लीजिए और आपके स्क्रीन पर नजर आएंगे दो चिन्ह, एक गोला एक क्रॉस। अपनी नजर क्रॉस पर जमा लें और देखिए क्या होता है। चौक गए ना? फिर से देखिए कैसे एक पोजीशन पर सिर्फ क्रॉस नजर आता है, गोला गायब। ये होता है इसलिए क्योंकि हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। रेटिना की सभी नर्व्स
एक साथ बंडल होकर ऑप्टिक नर्व बन जाती हैं। ये ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क के पास जाती है, लेकिन रेटिना में जिस जगह से ये निकलती है वहाँ ना रॉड होता है ना ही कोन। यही पॉइंट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट तो समझ में आ गया, पर अब क्या करें? अब केटू ने नया चक्कर चलाया है, कहती है कि यहाँ खड़े होके यहाँ देखो और या फिर यहाँ देखो। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, ऐसा वो कहती है, और इसलिए हमें उन्होंने सामान दिया है और टाइम लिमिट भी देकर गई है। बस कुछ ही देर में वापस आने वाली है, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, चैलेंज तो चैलेंज होता है। पेरिस्कोप बनाने के लिए चाहिए बस थोड़ा सा सामान, तरीका भी आसान। सबसे पहले बनानी होंगी गत्ते के डिब्बे में दो खिड़कियाँ। स्केल की मदद से उन्हें मार्क करें और ध्यान से काट लें। दूसरी खिड़की बनानी है डब्बे के दूसरी तरफ, दूसरे सिरे पर, मतलब एक खिड़की एक तरफ, दूसरी दूसरी तरफ, एक नीचे दूसरी ऊपर। ये पोजिशनिंग जरूरी है, किसी बड़े से गत्ता कटवाने में मदद लें। दो खिड़कियों वाला डिब्बा अब तैयार है, अब होशियारी से लगाने पड़ेंगे ये शीशे, यही तो अपना कमाल दिखाएंगे। शीशों को कुछ इस तरह चिपका लें कि उनके बीच में 45 डिग्रीज का कोण हो। इसे चिपका लें और सजा लें, हो गया आपका पेरिस्कोप तैयार। अब देखें कि कहां से कहां नजर पहुंचा देता है ये। जितना लंबा डिब्बा उतना बढ़िया और ताकतवर पेरिस्कोप। आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, जैसे पेरिस्कोप को ट्यूब में भी बनाया जा सकता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि सबमरीन्स में लगे पेरिस्कोप्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनमें ऑर्डिनरी मिरर्स नहीं बल्कि प्रिज्म्स लगे होते हैं। सबमरीन या पनडुब्बी, पानी के अंदर डूबा मानो एक डिब्बा जिसमें बाहर देखने का साधन सिर्फ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पूरा 360 डिग्रीज घूम सकता है और पास आते जहाज को दिखा सकता है। इसकी फिजिक्स आसान है, खुद देखिए कि लाइट किस तरह एक शीशे से टकराकर दूसरे पर गिरती है और किस तरह हमारी आंख तक पहुंचती है। आधुनिक पेरिस्कोप्स में तो कैमरास भी लगे होते हैं और रात की कम रोशनी में देखने के लिए नाइट विजन इक्विपमेंट भी। पहले मैं ओह जस्ट मिस। अब मेरी चांस। I'm sure, आप लोगों ने भी एक पार्टी गेम खेला ही होगा। कितना आसान दिखता है पर खेलना उतना ही मुश्किल। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। पर हर चीज की तरह इसकी भी साइंस है। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। ओह नो। बॉल बाउंस होती है, टप्पा खाकर वापस उछलती है। बिल्कुल इसी तरह प्रकाश भी बाउंस होता है, पर इसे बाउंस ना कहकर कहते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए प्रूव करते हैं कि प्रकाश सीधी लाइंस में आगे बढ़ता है। काले कागज से ढके दो गत्तों पर एक ही लाइन में बना लिए हैं छेद, एक एक छेद। अब एक तरफ से टॉर्च चमकाते हैं, देखिए कैसी सीधी लाइन में चलकर प्रकाश दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है। लेकिन सीधे चलने वाली लाइट मोड़ी भी जा सकती है। पानी में रखी पेंसिल रिफ्रैक्शन से प्रकाश के मुड़ने से ही तो ऐसी दिखती है। याद रखिए कि हमारी आंख की पुतली और लेंस प्रकाश को मोड़कर ही अंदर भेजते हैं, इसी फोकस से हमें साफ दिखाई देता है, धुंधला नहीं। वैसे हम दो आंखों से देखते हैं,
फिर भी हमें दोहरी इमेजेस क्यों नहीं दिखती? अपनी एक आंख बंद कर लें और हाथों को आगे फैलाकर पेन की नोक को मिलाने की कोशिश करें। नहीं होगा। इसका भी एक कारण है, हमारी आंखें एक दूसरे की दोस्त हैं, साथ मिलकर काम करती हैं।